अभी पहुंच रहा हूं, अब फोन रख। गनी भाई ले आए उसे। मेरा 1 रुपया लेने से पहले आदमी 1000 बार सोचता है, और तू मेरा 2 पेटी माल खाएगा? लाभ है गबरूगन। सेरा लिस्ट निकाल, अगला नाम देख किसका है। भाई अगला नाम नवाब मलिक का है, सुना है अपने इलाके में इसने बहुत सेन लगा रखी है। चल इसको भी उठा ले। अरे भाई उठा लाए सनी को। आज जिंदगी में तुम लोगों ने पहली बार अच्छा काम किया है जग्गा, इसकी तुम लोगों ने खातिरदारी की। बहुत पहला है मैंने इसको। इसको और जम के पे लो। रुक जाओ। ला रे सिगरेट चला। उठ जा रे। मच्छर सोते हुए आदमी को काट ले तो हीरो नहीं बन जाता, जागते हुए आदमी को काट ले तो मसल दिया जाता है। तू हमारे ही टुकड़ों पे जीता था और हमारी ही जासूसी कर रहा था। बोल मेरे माल की खबर पुलिस को क्यों दी? बोल, तुझे पता है मेरे ड्रग्स की कीमत कितनी थी? तुझे पता होना चाहिए मैं अपने धंधे के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तूने वो कहावत तो सुनी होगी, आसमान पे थूकने वाले का थूक पलट के उसके मुंह पे गिरता है, और तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। राधे भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुझे मरने से डर लगता है? तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुझे ये भी मालूम होना चाहिए। राधे अपने धंधे के बिना अधूरा है। जग्गा तेरे चक्कर में आज मैं फिर से हार गया, सारी जेबें खाली हो गईं। अबे मेरे चक्कर में हार गया? साले जो नंबर मैंने तुझे बताया वो तो तूने लगाया ही नहीं। तेरे ही बताए नंबर पे लगाया था, इसीलिए हार गया हूँ। अबे हाँ यार, आज जो नंबर आया है वही तो मैंने कल रात सपने में देखा था। अगर सपने में देखा था तो तूने मुझे गलत नंबर क्यों लगवाया? अबे यार बताना ही भूल गया। तू तो अपनी बातें मत कर, तेरे सपने का सच होते तो अब तो फुक्का ना होता, करोड़पति होता। अबे यार क्या बताऊं, मुझे तो भूलने की बीमारी है। रात को सपने देखता हूं, सुबह को भूल जाता हूं। तू अपने दिमाग का इलाज करा ले। अरे छोड़ ना यार, चल चलते हैं।
और जीवानियो कैसे हो, लगता है फिर आ रहे हो। क्या करें गुड्डू भाई, अपनी तो किस्मत ही खराब है। अबे मेरे जान पहचान का एक बाबा है, वो सत्ते के नंबर बताता है। सच में गुड्डू भाई, तो ले चलो ना यार उसके पास, वैसे भी हम दोनों भुक्के हैं, ले चलो ना भाई। पता नहीं तुम जैसे कितने भुक्कों को उसने करोड़पति बना दिया। तो ले चलो ना भाई उसके पास। ले तो चलूंगा, पर उसके बदले तुम लोगों को मुझे 100 रुपए देने होंगे। अरे गुड्डू भाई, आप तो हमारे दोस्त हैं, आप हमें से पैसे लोगे। बस कर दी ना भुक्को वाली बात, जा रहा हूँ। अरे गुड्डू भाई सुनो, दे रहा हूँ ना भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। अबे मैं क्या तुम्हारी साली हूँ जो मुझसे मजाक कर रहे हो, चलो दो पैसे। दे रहा हूँ। नत्थू पैसे दे दे। मैं ना दे रहा हूँ, तू दे दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। चल तू ऐसा कर, 50 तू दे, 50 मैं दे रहा हूँ। अब चलो। वो रहा बाबा, मेरा काम खत्म, मैं चलता हूँ, अब तुम लोग समझो। बाबा की जय हो। जीते रहो बच्चा, क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा कोई अच्छा सा नंबर दो हम दोनों को। कौन सी वाली का नंबर दूं, दिल्ली मुंबई चेन्नई या कश्मीर वाली का? अरे बाबा मैं लड़की की नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सट्टे की नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा बैठ जा, बताता हूँ तुझे। अपना बायां हाथ सामने कर लो। तो बहुत जल्द तुम दोनों की किस्मत चमकने वाली है। सच में बाबा? हाँ बच्चा। तो अच्छा बेटा, तुम दोनों की मुलाकात उस सट्टे से एक मेले में हुई थी। तुम दोनों से नंबर देना चाहते थे, पर वो भीड़ में कहीं गुम हो गई थी, फिर तुमको दोबारा नहीं मिल सकी। अरे बाबा मैं उस सट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जुए वाले सट्टे की बात कर रहा हूँ। गौर बाप अनंत हो जाएगा, सारे जुआरी निकल जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। दोबारा यहाँ मत आ जाना। साला कुत्ता पता नहीं कहाँ ले आया हम लोगों को। चल साले बताता हूँ तुझको। गनी भाई ले आए उसे। सेरा लिस्ट देख, कौन है अगले नंबर पे? भाई अगला नंबर अयूब का है। चल उसको भी ठोक दे। चलो। बस यार नंदू बहुत हुआ, अब नहीं बनना मुझे करोड़पति, तेरे झूठे सपनों के चक्कर में आज रोड पे आ गया हूँ। अब तो ऑटो के किराए के पैसे भी नहीं बचे हैं, पैदल चलना पड़ रहा है। अबे नत्थू तू परेशान क्यों हो रहा है, कोई करोड़पति रातों रात नहीं बन जाता, आज नहीं तो कल अपनी भी किस्मत चमकेगी, थोड़ा इंतजार तो कर ले। क्या किस्मत चमकेगी, चमक तो रही है, कहां से कहां आ गए हैं। नत्थू करोड़पति तो बनेंगे हम, थोड़ा इंतजार कर ले, ऊपर वाला जब भी देगा छप्पड़ फाड़ के देगा, एक झटके में करोड़पति बन जाएंगे, तू देखता जा। तो कुछ कर यार, चल हट निकल यहाँ से। नत्थू तू टेंशन मत ले, अपना भी टाइम आने वाला है, भरोसा रख मैं तुझे करोड़पति बनाऊंगा। चल अब ज्यादा मत सोच, चल। नहीं भाई खबर मिली है, राधे आज अपना माल मुंबई के लिए भेज रहा है। तो देर किस बात की है सेरा, लोहा गरम है, मार दे थोड़ा, जा माल लूट के ला। चल डिंगारा। हेलो अन्ना भाऊ, आपका माल रेडी है, मेरे आदमी माल लेके निकल लें। ठीक है ठीक है ठीक है। जग्गा। यस बॉस। माल लेके आओ।
माल तो बहुत कड़क है। ये माल अन्ना भाव तक तुम लोगों को सही सलामत पहुंचाना है। अब तुम लोग निकलो। कुछ गरीब को दे दो। अब इसको मार क्यों रहे हैं? कुछ तो लोचा है, चल देखते हैं। नहीं भाई, माल भी ले आया और आदमी भी। माल बहुत कड़क है सेरा। मैंने तो तुझसे माल कहा था उठाने के लिए, तू तो आदमी भी उठा लाया। चल बहुत अच्छा किया। ला बे छोटे नवाब गंदे। पहले इस राधे को तो बता दूं। राधे भाई, किसी का फोन आ रहा है। हाँ बे राधे, तेरा माल तेरा आदमी दोनों मेरे कब्जे में हैं। तुझे मालूम होना चाहिए माल अन्ना भाव का है, और अन्ना भाव से दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। अन्ना भाव एक एक को चुन चुन के मारेगा। तुझे क्या लगता था गनी भाई का आतंक खत्म हो गया? गनी भाई का राज चलता था, चलता है और चलता ही रहेगा। तुझे यकीन नहीं हो रहा? टेलर दिखाऊं क्या? गनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाई भाई, हमें भी काम पे रख लो। सुना है तुम्हारे यहाँ शूटर की कमी है, और मर्डर तो हम दोनों बहुत अच्छा करते हैं। ले फिर इसको शूट करके दिखा। अपने आदमियों से बोल बंदूकें फेंके, अपने आदमियों से बोल बंदूकें फेंके, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। चल उठ नथो बैगलेस से, चल सीधा चल। तुझे महंगी पड़ेगी ये दुश्मनी। चल सीधा चल, तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। अबे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ ही लाओ इन हरामियों को। नथो बैग डाल गाड़ी में। शिट यार, माल पुलिस के हाल लग गया। अब गनी भाई को क्या जवाब देंगे? अबे यार, वो दोनों भी निकल गए अपने हाथ से। चलो गनी भाई, वो दोनों अपने हाथ से निकल गए। कैसे वो तुझसे बच के भाग गए? और माल किधर है? तुझे पता है सेरा, वो 10,000 करोड़ का माल था और तू खाली हाथ आ गया।
अब चाहे तू जमीन खोद चाहे आसमान ढूंढ, उन दोनों को इधर ले के आ। और अगर सेरा तू खाली हाथ आ गया तो अगला नंबर मेरी लिस्ट में तेरा होगा। जा यहाँ से। राधे, माल कहाँ है? हाँ माल कहाँ है? माल कहाँ है? हाँ माल कहाँ है? भाई भाई, मेरे आदमी माल लेके निकले थे, गली के आदमी उन्हें लूट लिया। क्या? मुझे यह सब कुछ नहीं पता, मुझे अन्ना भाऊ का माल चाहिए। भाई मुझे 7 दिन की मोहलत दो। भाई 7 दिन नहीं, केवल 3 दिन। अगर 3 दिन के अंदर अन्ना भाऊ का माल नहीं पहुंचा तो अन्ना भाऊ खुद आएंगे तेरी मौत बनकर। केवल 3 दिन। अबे नत्थू, एक नंबर करके आता हूँ। भाई उसका एक साथी बैठा है। भाई दूसरा वाला तो रह गया, वो खुद चल के आएगा अपने पास। हाँ गनी भाई, उसके एक आदमी को पकड़ लाया हूँ। एक तो था, दूसरा भी आ गया है। शिकार खुद चल के शेर के मुंह में आ गया है। शिकार नहीं, तेरी मौत आई है। बहुत कर ली तुम लोगों ने फाइट, अब सीधे खड़े हो जाओ। चलो चल चल, सीधा खड़ा हो जा, हाथ ऊपर, दोनों साइड में आओ। बहुत कर ली फाइट। नंदो भाग। आ यार, फिर बच के भाग गए साले। जो इंसान मेरे सामान की हिफाजत नहीं कर सकता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। तुझे पता है उस ड्रेस की कीमत कितनी थी? 10,000 करोड़। और तेरी कीमत एक मक्खी के बराबर। अपना माल तो मैं लेकर रहूंगा, चाहे सबको चुन चुन के मारना पड़े।
ये क्या हो रहा है? इनके भी दुश्मन है। दुश्मन का दोस्त होता है। अब तू देखता जा। चल। क्या? सेरा को मार दिया? अन्ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बाय पानी। रुक, पहले सिकंदर को कॉल लगा लूं। हेलो, सिकंदर गनी मिला या नहीं? भाई गनी तो नहीं मिला है, पर उसके गुंडों को टपका दिया है मैंने। भाई एक मौका और दो, अगली बार गनी मेरे हाथों से बच के नहीं जाएगा। सिकंदर, ये तुमसे काम नहीं हो पाएगा। तू ऐसा कर, दुबई निकल, डेविड को माल पहुंचा करा। गनी को मैं देखता हूँ। ठीक है भाई, दुबई के लिए निकल रहा हूँ मैं। तुम्हारी तारीफ? तारीफ तो शरीफ लोगों की होती है, और हमें तो सराफत से घिन आती है। कौन हो तुम दोनों और यहाँ किस लिए आए हो? आपको जिसकी तलाश है, हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। ज्यादा घुमा फिरा कर बात करना मुझे पसंद नहीं तो ठोक दूंगा। आप ठोकने की बात मत करो। अगर आप बहुत बड़े विलेन हैं तो हम भी छोटे मोटे गली के गुंडे हैं, और कभी कभी काम हम बहुत बड़े कर देते हैं जो हमारी औकात से बाहर होते हैं। नंदू, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ज्यादा बकबक मत करो। तुम दोनों को यह भी पता होना चाहिए, इसमें 6 गोलियां हैं। 3 तेरे हिस्से में आएंगी, 3 तेरे हिस्से में आएंगी। जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ, यहाँ किस लिए आए हो? भाई आप तो गुस्सा हो गए। आपको गनी की तलाश है, हम दोनों आपकी मदद कर सकते हैं अगर हट जाए। गनी को तुम दोनों कैसे जानते हो? उसने हमें भी बहुत चूना लगाया है, उससे तो हमारा पुराना हिसाब किताब बाकी है। उसे तो कुत्ते की मौत मारूंगा, और चाहे जिस बिल में क्यों ना छिपा हो। भाई मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। तो बता कहाँ है वो? ऐसे बता दूं, हम कोई भी काम फोकट में नहीं करते। कीमत बोल। 5 पेटी लेने का। मिल जाएगा काम होने के बाद। हमारा उसूल है काम बाद में, पैसा पहले। जाओ इन्हें 5 पेटी ला के दो, और अगर धोखा दिया तुम दोनों ने तो तुम्हारे टुकड़े हमारे पालतू कुत्ते खाएंगे। जब तक आपको गनी नहीं मिल जाता तब तक हम आपके साथ ही रहेंगे। चल ठीक है, कहाँ मिलेगा वो? गनी हर शनिवार को राज कड़हत्ता वसूलने जाता है, और कल शनिवार है, उठा ले। जाओ इनको कायदे से खिला पिलाओ। चलो। चल बे, हफ्ता निकाल, नहीं तो ठोकू तुझे। जल्दी कर, टाइम नहीं है मेरे पास। चल गबरू। डर लग रहा है तुझे? डर तो लगेगा तुझे, क्योंकि तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है।
सुना है तेरा डर बहुत है लोगों में। आज वो गनी कितना लाचार है, डर से कांप रहा है। अन्ना, शेर को पिंजड़े में रख के कोई शिकारी नहीं बन जाता। मर्द बनने का इतना ही शौक है तो मेरे हाथ खोल के दिखा, यहीं पे तेरी मर्दानगी निकाल देता हूँ। गनी, मौत तेरे सामने खड़ी है, तेरी हीरोपंथी कम नहीं हो रही। अन्ना, गनी को कमजोर समझने की भूल मत करना। तूफान में कश्तियाँ और गनी भाई से पंगा लेने वालों की हस्तियाँ डूब जाती हैं। गनी एक नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। गनी, तेरी जुबान बहुत चलती है। जब मैं विलन बनता हूँ तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। अन्ना को हल्के में ले रहे हो, बता मेरा माल कहाँ है, मुझे मेरा माल चाहिए। वो माल मेरे पास नहीं है, अगर होता तो भी मैं नहीं देता। अफसोस तो मुझे इस बात का है, वो माल पुलिस के हाथों में चला गया, उन दो हरामियों के चक्कर में। क्या, मेरा माल पुलिस के हाथों लग गया? किसने किया ये सब? कौन है वो दोनों, बता। नहीं बताऊंगा, क्या कर लेगा तू? तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। अबे बोल, कौन है वो दोनों, किसने किया ये सब, बता। नहीं बताऊंगा, वो मेरे दुश्मन है, उन्हें तो मैं ही मारूंगा। बहुत जुबान चलती है तेरी, इसके मुंह पे टेप लगा और इसको इतना मारो जब तक ये उन दोनों के बारे में बता ना दे। अच्छा लग रहा है गनी। अन्ना भाव, ये तो आपको गाली दे रहा है, साले अन्ना भाव को गाली देता है। अबे मार क्यों दिया उसे, अब कौन बताएगा उन हरामी के बारे में। अरे भाई, आपको गाली दे रहा था और इससे तो हमारा पुराना हिसाब किताब भी बाकी था, आज साले को ठोक दिया। मेरा 10,000 करोड़ डूब गया। जिसने भी मेरे 10,000 करोड़ लिए हैं, उसे छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल वो मेरे सामने आएगा। अरे यार नंदू, इतना झमेला करने के बावजूद हम लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। जो 10,000 करोड़ का माल लगा भी था वो तो पुलिस के हवाले हो गया। अबे नथू, तुझे क्या लगता है वो माल पुलिस के पास है? वो माल अब भी मेरे पास है। क्या, सच में? हाँ, वो माल अब भी मेरे पास है। वो फिर पुलिस वाला? वो कोई पुलिस वाला नहीं था, वो तो अपना ही आदमी था। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर तू उनके हाथ लगता तो तेरी जुबान फिसल जाती, तू सब कुछ उगल देता उन लोगों से। चल तुझे दिखाता हूँ। अब इस शहर के ऊपर हम राज करेंगे, राज। चल बैठ।